संसार में सबसे जल्दी कोई प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो वो महादेव है। एक बार एक आदमी भगवान शिव के मंदिर में गया और उसने थोड़ा जल चढ़ाया, बिलपत्र चढ़ाई। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, दो पुष्प और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। आ गया मंदिर के दर पे, प्रेम से दर्शन किए, फिर हाथ ऊपर बढ़ाया घंटा बजाने के लिए। और जैसे ही हाथ ऊपर किया तो हाथ पहुंचा नहीं, और ऊपर जो ही देखा तो घंटा ना लोहे का था ना पीतल का, सोने का घंटा। कि देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया, और चढ़ गया शिव जी के ऊपर घंटा चुराने के लिए। अब सोचा घंटा उतरे कैसे, तो शिव जी के ऊपर ही चढ़ गया। घंटे को जो ही उतारने लगा उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए, और शिव जी को देखते ही भागा। शिव जी ने इसका हाथ पकड़ लिया, कहां भागता रुक, हाथ जोड़ के बोला सरकार गलती हो गई, क्षमा करो, हम आपके ऊपर ही चढ़ गए। भगवान ने कहा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। इस चोर ने कहा सरकार मैंने कोई पूजा नहीं करी, कोई आराधना नहीं करी, ये वरदान आप किस खुशी में दे रहे हैं। तो भगवान शिव जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि लोग तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा, तूने तो खुद को चढ़ाया मुझको रिझाने के लिए। दुनिया के लोग पत्र पुष्प चढ़ा के मुझे रिझाते हैं, लेकिन तू तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया, तेरे जैसा भक्त संसार में मेरा कोई हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान शिव दयालु हैं। बोलो शंकर भगवान की। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।